स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सचिन। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया है, जहां मैच में अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन ने रविंद्र जडेजा की जमकर प्रशंसा करते हुए ये भी कह दिया कि वह अपने इस स्पिन जोड़ीदार की असाधारण प्रतिभा से जलते भी हैं। जी हाँ, अश्विन ये सोचते हैं कि काश वह उनकी तरह बन पाते। गेंदबाजी में जब जोड़ी की बात आती है तो जहन में तेज गेंदबाज जरूर आते हैं, लेकिन अश्विन और जडेजा ने स्पिन जोड़ी के रूप में टेस्ट क्रिकेट में नई पटकथा लिख दी है। अब इन दोनों ने बल्लेबाजी में भी अच्छी जोड़ी बनाई, जिसकी बात हमने बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच को भी देखी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मैच के दौरान हमें देखने को मिला कि दोनों ने 7वें विकेट के लिए 199 रनों की साझेदारी की, भारत को खराब शुरुआत से उबारकर चुनौतीपूर्ण स्कोर तक भी पहुंचाया। रविचंद्रन अश्विन ने खेल समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हमेशा उससे ईर्ष्या करता हूं कि अभी कितना प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उसने अपनी क्षमता को अधिकतम स्तर तक पहुंचाने के तरीके भी ढूंढ लिए हैं। वे एक शानदार फील्डर है और हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। काश मैं वैसा बन पाता, लेकिन मैं जैसा हूँ उससे भी काफ़ी खुश हूँ। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया है कि दूसरे छोर पर जडेजा के होने से उन्हें अपना छठा टेस्ट शतक बनाने में भी काफ़ी मदद मिली। अश्विन ने यहां तक कहा कि वह एक असाधारण क्रिकेटर हैं, मैं उसके लिए काफ़ी खुश हूं और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उससे बल्लेबाजी करते हुए देखने से मुझे ये भी पता चला कि मैं कितना बेहतर हो सकता हूं। वहीं जब गेंदबाजी की बात आती है तो इन दोनों की अपनी अलग अलग शैली नज़र आती है, लेकिन वह टीम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना सीख चुके हैं। ये दोनों जनवरी में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर भारत की सबसे सफल गेंदबाजी जोड़ी भी बन चुके हैं। अश्विन ने यह भी कहा है कि वह इसे वास्तव में इसे सरल बनाए रखते हैं, वह इसे गेंदबाजी दिन ब दिन दोहरा सकते हैं। हम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम दोनों ने कुछ ना कुछ खास चीज़ें भी सीखी हैं। इस स्तर पर हम वास्तव में एक दूसरे को महत्व देते हैं और हम दोनों एक दूसरे की सफलता का पहले से कहीं अधिक आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर अश्विन ने अपने स्टेटमेंट में ये तो कह दिया कि वो रविंद्र जडेजा को कई स्तर पर बेहतर मानते हैं, स्पेशली अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो उनके जैसा कोई नहीं है टीम में, और वो लगातार बेहतर फील्डिंग भी करते हैं जो उनको इंस्पायर करता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।